हेलो गाइस, मैं ओवीना फैशन डिज़ाइनर। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आज आपको सलवार कटिंग बताने जा रही हूँ, सलवार किस तरह से कटिंग की जाती है, कौन से मेजरमेंट लिए जाते हैं। सलवार कटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी लेंथ लेनी होती है, उसके बाद हिप लेंथ लेनी होती है और बॉटम लेनी होती है। हमें कितनी बॉटम रखनी होती है नीचे से जो मोरी होती है। अब मैं लूँगी सबसे पहले लेंथ, जो मुझे लेंथ चाहिए उसमें से पहले जो लेंथ है मेरी 41 में से मैं 8 इंच माइनस कर दूँगी। 41 से मैं 8 इंच माइनस करती हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ इंच मैंने माइनस किए, तो पीछे बचे 34। 34 की लेंथ लूँगी मैं। चौंतीस की लेंथ ली, अब मैं यहाँ निशान लगा दूंगी 34 पे। उसके बाद यहाँ पे हम 4 टर्न करेंगे। ऐसे टर्न करेंगे 4। इसमें हमारा होना चाहिए 8 इंच का। ये हमारा 4 फोल्ड हुआ। ये 4 फोल्ड हुआ हमारा। फिर हम लेंगे 34 का, हमने यहाँ वापस 34 का निशान लगाया है। ये सेमी सलवार बनेगी, फुल सलवार नहीं बनेगी क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है, पटियाला का कपड़ा नहीं है, हमारे पास सलवार का ही कपड़ा है। उसके बाद हम इसको सीधी लाइन बनाएंगे। हमने सीधी लाइन बनाई। अब हम कटिंग करेंगे। कली कटिंग करेंगे जो कि हमें लेंथ, जो हमने ये लेंथ ली है इसकी, जो हमारे पास सेमी का है इसलिए अपना कपड़ा कम है, तो अपनी लेंथ 34 है। अब इसमें 34 नहीं आएगी, तो हम जो लेंथ है हमारे पास वो लेंथ लेंगे हम। ये है हमारे पास 28 की लेंथ, हमने 28 की लेंथ ली। उससे पहले हम अपना इधर से बेल्ट निकालेंगे, जो हमें बेल्ट चाहिए होगा। ये हमने बेल्ट के लिए लिया है, यहाँ से मैं 8 इंच का बेल्ट निकालूंगी पहले, उसके बाद जो भी बचेगा कपड़ा उसकी मैं कली निकालूंगी। ये है हमने 8 इंच का मेजरमेंट किया और हम इसका बेल्ट निकालेंगे इधर से। अब हमने बेल्ट का कटिंग, बेल्ट का निकाल लिया है कपड़ा जो चाहिए था हमें, बेल्ट का जो हिप है, हिप से हम 5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, जो हमने अभी कपड़ा निकाला है बाद में करेंगे। अब हमारे पास जो कपड़ा बचा है इतना ही बचा है, तो हम लोगों को ये जो मेजरमेंट है हम कल ही निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास सेमी का ही सलवार का कपड़ा था, ज़्यादा कपड़ा नहीं था। एक तरीका तो ये होता है, इसको ऐसे करो आप और इसको कली को निकाल लेते हैं। अगर अपने पास ज़्यादा कपड़ा होता तो वो तरीका अलग होता है, मैं वो आपको दूसरी नेक्स्ट टाइम वो बताएंगे। अब मैं इसको ऐसे किया मैंने और इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर अपने पास एक्स्ट्रा होता तो हम कटिंग में ही कॉच एरिया ले लेते हैं। अब हमारे पास कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं था, तब हम कॉच एरिया के लिए यहाँ से 8 इंच का लेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। ये जो कली है, जो हमने 4 कली कटी है और ये 4 तरफ से है, इसको हम यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो हमारा फुल गियर बन जाएगा। और ये हमारा पोंचो के लिए हमने काट दिया, जो हमारा नीचे की जो मोरी है वो बनेगी, और जितनी चाहिए उतना अपन रख सकते हैं इसके अंदर।
अब मैं काटूंगी बेल्ट जो हिप है, हिप से हम 5 इंच या 6 इंच ज़्यादा कट करते हैं। तो जो हमने बेल्ट के लिए कपड़ा निकाला है, अब ये मैं मेरे हिप का मेजरमेंट से निकालूंगी। हिप के मेजरमेंट से निकालने के लिए मैं 4 पार्ट करूंगी। हिप मेजरमेंट है मेरा 34, 34 का हाफ होता है हमारा 8.5। साढ़े आठ प्लस 1, 2, 3 मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो टोटली 6 एक्स्ट्रा हो गए हैं। कितने 6 हो गए हैं ये एक्स्ट्रा। तो मैं इसको खोल के करूँगी, जो हमारा कपड़ा साइड से जो बच रहा है वो वेस्ट नहीं हो। फिर मैं 4 फोल्ड करूँगी वापस। ये हो गया हमारा 3 इंच, 2.5 इंच एक्स्ट्रा हो गया ना, 8.5, 9, 10 और 11। ये हो गया हमारा इतना एक्स्ट्रा, जो हिप से ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होता है। अगर ज़्यादा होता है तो अपने आगे की तरफ फूला फूला सा लगता है। और यहाँ से लेना है हमें 8 इंच लेंथ लेनी है हमें। मैं इस पर निशान लगाऊंगी। अब मैं स्केल से भी इसकी लाइन बना देती हूँ। अभी हमारी बेल्ट कट गई है, जो हिप से हमने 3-4 इंच जो एक्स्ट्रा करी है। और ये हमारी सलवार की जो कलियाँ हैं, जो 4 कलियाँ, और ये जो साइड वाला है जिससे हमारा थोड़ा पटियाला वाला लुक नज़र आता है, पर ये है सेमी सलवार। अभी हमारी कट के कंप्लीट हो गई।